सब पर नजर, सबकी खबर। रात्रि में मस्जिदों के सामने आपत्तिजनक पोस्टर व मार्च डालकर दंगा फैलाने की कोशिश करने वाले हिंदू योद्धा संगठन के प्रमुख महेश मिश्रा समेत 7 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आपत्तिजनक वस्तुएं मिलने के बाद पुलिस एक्टिव होते हुए सीसीटीवी फुटेज के सहारे 24 घंटे में ही पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रेस वार्ता के दौरान आईजी रेंज केपी सिंह व शैलेश कुमार पांडे ने साजिश रचने के मामले का किया खुलासा। पेश है उदित राज न्यूज अयोध्या से संवाददाता राकेश सिंह की खास रिपोर्ट। इनके नाम है महेश मिश्रा, प्रत्युष, नितिन, दीपक गौड़ उर्फ गुंजन, ब्रजेश पांडे, शत्रुघ्न प्रजापति और विमल पांडे। घटना को अंजाम देने के लिए पूरी प्लानिंग के बाद जो घटना को अंजाम देने के लिए जो लोग गए थे वो 8 लोग गए थे और 4 मोटरसाइकिल पे, जिनको लीड महेश मिश्रा कर रहा था। और जैसा कि सर ने बताया, आपत्तिजनक पोस्टर और आपत्तिजनक वस्तु वहाँ फेंकी गई और प्राप्त सूचना पे तत्काल पुलिस टीम इसमें एक्टिव हुई और इसमें साक्ष्यों को संकलित किया और साक्ष्य संकलित करते हुए पूरे चेन ऑफ इवेंट्स को कनेक्ट करते हुए इन सभी को गिरफ्तार किया गया है, 7 लोगों को, और 4 अभियुक्त जो फरार हैं उनको भी हम लोग जल्द गिरफ्तार करेंगे। जो पदार्थ इन्होंने फेंके थे वहाँ पे, उसकी बरामदगी हो गई थी। जो वाहन है वो वाहन भी हमारे पास बरामद हैं, कुछ वाहन की उसमें और बरामदगी हम लोग जल्द ही सुनिश्चित कराएंगे। और इस तरह से इस पूरी घटना का पटाक्षेप हुआ। जब इसके उद्देश्य के बारे में इनसे बात की गई मुख्य अभियुक्त अन्य अभियुक्तों से, तो जो बात छन के आई, इनका पूरा उद्देश्य माहौल को बिगाड़ने का था और जिससे कि यहाँ की अमन चैन की जो संस्कृति है इस जगह की उसको प्रभावित किया जाए। और परंतु यहाँ के सभी लोगों का, पूरी अयोध्या के सभी धर्म, सभी संप्रदाय के जो हमारे सम्मानित नागरिकगण हैं, हमारे सभी आप सभी मीडिया बंधु सभी का सहयोग रहा कि इनको किसी भी तरह के अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होने दिया गया। और उदित राज न्यूज, सब पर नजर, सबकी खबर।